Hello dear students, my name is Kenneth and welcome back to this is the lecture for the 10th class. We are continuing the chapter light refraction of light कर रहे हैं. पिछले lecture में we have done the image formation in the case of concave mirror. अगर नहीं देखा ये वाला lecture तो please watch it. इसके बाद आज अपन किस करने जा रहे हैं the image formation in the case of concave lens. अगर मैंने पहले mirror बोल दिया था तो please माफी चाहता हूँ, lens के बारे में बातें होगी. ठीक है, तो आओ यार heading लगाते हैं. notebook निकालिए, heading लगाते हैं image फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. कौन सा लेंस है जी? कॉनकेव लेंस. ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है हमारे पास, सिर्फ दो केस हैं. दो केस क्यों हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, दो केस कौन से हैं उनके बारे में भी बताते हैं. ठीक है, पहले आप ये सुनो कि कॉनकेव लेंस में दो केस क्यों हैं. देखो यार, कॉन्वेक्स में तो अपन ने कह देते छे, क्यों? क्योंकि जैसे अपन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस को चेंज करते हैं, हमारी जो इमेज का साइज है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने लगती है. पर क्या ये सेम फिनोमेना कॉनकेव में नहीं होना चाहिए? नहीं होता जी. देखो, कॉनकेव में हमेशा जो हमारी जो इमेज है इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, सीधी है जी, वर्चुअल है, स्मॉल इन साइज है. आगे पीछे कर लो तो क्या हो रही है, सिर्फ साइज के बारे में अगर बोलूं तो साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट मेन चीज क्या है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, साइज के बारे में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो हमारे सिलेबस में या नॉर्मली इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो केस ही है. ठीक है, तो फर्स्ट केस लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा देन ऑल द लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये मैंने आपको बताया है. कौन सा लेंस है जी? कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंस बनाते हैं. कॉनकेव लेंस बनाते हैं जी. कॉनकेव लेंस बनाया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आर ऑप्टिकल सेंटर. यहां पर सेंटर ऑपरेचर सी वन एफ वन, दिस इज आर एफ टू, दिस इज आर सी टू. ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, लिखना है एट इन्फिनिटी. ठीक है, बहुत बहुत क्या है, दूर है. जब बहुत बहुत दूर है एंड ऑल द लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लो जी ये हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे. ठीक है, एंड दिस इज आर सेकेंड इंसिडेंट रे. ओके, इंसिडेंट होगी जी. ओके, डन. और आधी जनता क्या करेगी, उन्होंने पहले वाला रूल ही सुना हुआ है, बस पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस, एफ टू में से पास करा. ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होता है. दिस इज आर कॉनकेव लेंस. इसको और भी बोलते हैं वर्ड विच इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस मीन्स ये रेज को क्या करता है, एक तो पंजाबी में यार वर्ड क्या होता है, खिल्लरना पता नहीं, बिखर जाती है रेस. हाँ, बिखर जाती है रेज. क्या हो जाती है? बिखर जाती है. ठीक है, रेज बिखर जाती है, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट. ठीक है, और आपको अच्छे से पता है लाइट रेज अगर मीट ना करे तो अपन क्या करते हैं, वी विल बैक एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रेज. वी बैक एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रेज, बैक एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रेज. कहां पे मीट कर रही है? एट एफ. ये अपने आप नहीं मीट कर रही, वी आर जस्ट बैक एक्सटेंडिंग द रिफ्रैक्टेड रेज बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट मीटिंग. अगर एक्चुअली नहीं मीट कर रही है तो अपन बैक एक्सटेंड करेंगे. तो लिखते हैं जी अपन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखते हैं. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिखते हैं? पोजीशन, नेचर एंड साइज. पोजीशन, नेचर एंड साइज. ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? इमेज कहां पे पड़ रही है? एट एफ वन. पहले वाले केस में ध्यान से सुनो, पहले वाले केस में जब अपन ने कॉनवेक्स लेंस करा था, कहां पर इमेज बनी थी? फोकस पे. बट कौन से फोकस पे? एफ टू पे. ये वाला कौन सा फोकस? एफ वन. ठीक है, इसका फोकस नेगेटिव, उसका फोकस पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन करेंगे. ठीक है, तो देखो नेचर, व्हाट इज द नेचर? अपने आप तो मिलने रही, सो नेचर इज वर्चुअल प्लस इरेक्ट. ठीक है, इमेज बनेगी सीधी क्योंकि कॉनकेव लेंस में देखो ध्यान से हमेशा इमेज क्या बनती है जी? सीधी सीधी सीधी. ठीक है, देन व्हाट इज द साइज? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज. ओके, स्मॉल इन साइज नहीं, पॉइंट साइज लिखो यार, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज. ठीक है, पॉइंट साइज. प्लीज ड्रॉ इट. फर्स्ट केस था ये, बस इसके बाद सेकंड केस और काम खत्म. हाँ जी, डन. ओके, इसके बाद अपन करते हैं सेकंड केस. ठीक है, सेकंड केस के बारे में सुनो. डायग्राम पहले बनाते हैं, डायग्राम बनाओ पहले. ठीक है, लो जी
C1, F1, F2, C2। अब इसमें छह केस क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। इसलिए हमने क्या करा, पहले तो क्या करा, बहुत बहुत क्या रख दिया, दूर रख दिया किसको, ऑब्जेक्ट को। अब अपन थोड़ा सा नजदीक रख देते हैं, ठीक है। वी जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट समवॉट नियर द लेंस, ठीक है। तो बनाया जी ए एंड बी, तो लिखेंगे क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू लेंस, थोड़ा सा नियर है। वी विल नॉट स्पेसिफाई कि बिटवीन C1 F1 है कि F1 और O के बीच में है, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इट, बस यहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज नियर टू द लेंस, ठीक है। पहले क्या था, बहुत दूर था, अब क्या है, बहुत क्या, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, नजदीक है बस, ओके। फर्स्ट रेडिएशन आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। अच्छा ऐसे नहीं सर, ऐसे थोड़ी, ऐसे इट विल डाइवर्ज, ठीक है। दिस इज आर फर्स्ट रेडिएशन। इसके बाद व्हाट इज द सेकंड रेडिएशन, सेकंड रेडिएशन का सेकंड रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी लाइट रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है, देन इट विल मूव थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, सीधी सीधी चली जाएगी। और अब देखो रेस क्या, मुंह क्या आ रहा है, खुल रहा है, तो मतलब अपने आप तो मीट करेंगे नहीं, वी विल प्रेशराइज द रेस, बैक एक्सटेंड करेंगे, किसको बैक एक्सटेंड करेंगे, वी विल बैक एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रेस, रिफ्रैक्टर रेस को बैक एक्सटेंड करो, लो जी बैक एक्सटेंड करो तो फोकस में से, ये तो फोकस में से जाएगी, ये वाली बैक एक्सटेंड करोगे, बैक एक्सटेंड करोगे तो ऐसे ऐसी चली जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे पास कौन सा मीटिंग पॉइंट आ रहा है, ये वाला बिटवीन F1 एंड O, वर्चुअल इमेज बन रही है तो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एरो आपने लगाना है, आपने अच्छे से एरो लगाना है, यू हैव टू ड्रॉ द पेंसिल, ठीक है, पेंसिल के साथ एरो लगाना है एंड द डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है, डॉटेड लाइन लगानी है, ध्यान से लगानी है, डॉटेड लाइन लगाई बस। What is the position? ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज ए डैश बी डैश, ये हमारा लेंस, बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट, पोजिशन इज बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वट इज द नेचर, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वट इज द साइज, साइज स्मॉल इन साइज, ठीक है। पहले वाली कौन सी थी पॉइंट साइज, अब कौन सी है पॉइंट स्मॉल साइज, ठीक है। प्लीज ड्रॉ इट, हाँ जी लिखो, डन जी। बस इसके दो ही केस थे इमेज फॉर्मेशन के, सिर्फ दो ही केस थे, ठीक है, कॉनकेव के दो ही थे जी, दो ही थे, बहुत है, ठीक है, आज के लिए बहुत है। बस एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को अपने ध्यान से बेजे में डाल, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, आपने ये तीन चीजें पढ़ी हैं जी, V, U एंड F, ठीक है, V, U एंड F, ठीक है, V, U एंड UF, जो भी आपने बोला बोल सकते हैं। U क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O, यहां पर हमारा जो सेंटर है ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O, कोई भी लेंस लो यार, ठीक है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, यहां पर इसकी इमेज बन रही है जी ए डैश बी डैश, ठीक है। मैं जर्नल एग्जांपल ले रहा हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओ, ये है जी हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओ, विच इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है। यहां पर अगर C1 है, यहां पर अगर F1 है, यहां पर अगर F2, यहां पर C2, ठीक है। आपने पढ़ा है ऐसा केस बन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, द इमेज इज एट बियॉन्ड C2, ठीक है, ये वाला आपने केस पढ़ा हुआ है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विच इज डिनोटेड बाई यू, वी क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको डिनोट करते हैं यू के साथ। वट इज द एफ, फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था, एक होती है कॉनकेव की और दूसरी होती है कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की हमेशा क्या लेते हैं अपन पॉजिटिव, ठीक है, और कॉनकेव की क्या लेते हैं अपन नेगेटिव, साइन की बात हो रही है, ठीक है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, चाहे लेंस चाहे मिरर है, ठीक है, यू वी एंड एफ, ओके। तो आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, 1/V - 1/U इट इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन बीच में लगा हो, पहले V उसके बाद U उसके बाद F, इसको बोलते हैं जी
लेंज फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला अपन को काम आएगा, कहां काम आएगा, फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्व। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है। मैग्निफिकेशन के बारे में आपको पहले भी बताया था रिफ्रैक्शन वाले रिफ्लेक्शन में, दैट इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, इट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। इसमें माइनस नहीं, इसमें क्या आएगा जी, प्लस, इसमें प्लस होगा माइनस नहीं, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। जब भी लेंस का केस आए देन एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाय यू, पर अगर मिरर का केस है तो यहां पर नेगेटिव साइन, अगर लेंस का केस है तो नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। व्हाट इज एच आई, एच आई क्या है जी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एंड व्हाट इज द एच ओ, इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दीज आर द सिंपल थिंग्स, सिंपल जो सिंबल है इसको याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला और सेकंड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक के ऊपर। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। अच्छे फॉर्मूला को याद करो एंड द प्लीज प्रैक्टिस द इमेज फॉर्मेशन वाले डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव। ठीक है, तो प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। अपन मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यूमेरिकल, एंड दिस इज मी करण सिडाना साइनिंग ऑफ। बाय बाय, शबा ख्याल।